तो हेलो दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट चैनल क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट चैनल के 10 ऐसे आइडियाज़ देने वाला हूं, जिस पे अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप अपने शॉर्ट चैनल को 10 से 15 दिन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बहुत सारे चैनल ग्रो कर चुके हैं, बहुत सारे चैनल ग्रो कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ भी बताने वाला हूँ जिस पे अगर आप सही तरीके से काम कर सकते हैं तो 2023 इसमें आपका चैनल बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। बूम करना मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आप व्यू ले सकते हैं 2023 में, बिकॉज 2023 से शॉर्ट चैनल मोनेटाइज भी होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर अपना चैनल क्रिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइडिया जो है वो है बॉलीवुड न्यूज़ का। मतलब कि अगर आप एक्टर एक्ट्रेस या जो भी सिंगर हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनके रिलेशनशिप, उनका कौन सा मूवी आ रहा है, कौन सा गाना आ रहा है और उनके बीच क्या वाद विवाद चल रहा है, अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा व्यू देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी बॉलीवुड के एक्टर हैं या मान लीजिए कि साउथ के भी जो भी एक्टर हैं, ठीक, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बॉलीवुड को पीछे छोड़ने वाला है साउथ इंडस्ट्री। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा व्यू देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो भी एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो जो भी उनके फ़ैन हैं इस तरह के टॉपिक को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छा खासा व्यू देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही नेहा कक्कर का एक गाना आया था, मैंने पायल है छनकाई, ठीक, तो इस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है। अब इस वाद विवाद पे जो भी क्रिएटर वीडियो बनाए हैं उनके वीडियो के व्यूज़ को आप जाके देख सकते हैं। यूटोपियंस करके एक चैनल है, यूटोपियंस, वो अपने चैनल पे केवल बॉलीवुड न्यूज़ को कवर करते हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है उनके रिलेशनशिप, उनका लाइफ स्टाइल, उनके बीच क्या वाद विवाद चल रहा है, यही सब टॉपिक को कवर करते हैं। और अभी आप उनके चैनल के व्यूज़ को जाके देख सकते हैं, उनके चैनल के सब्सक्राइबर को जाके देख सकते हैं। एक और चैनल है जूबर खिलजी, उनके चैनल को भी आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं चैनल इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी बड़े बड़े क्रिएटर को देखकर सीख सकें कि वीडियो बनाया कैसे जाता है, तो आप इनसे सीख सकते हैं। तो आई होप आप पहला टॉपिक समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है कंपैरिजन का चैनल बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी दो क्रिएटर को ले लीजिए, कोई भी दो बड़े यूट्यूबर को ले लीजिए या कोई भी दो बड़े एक्टर को ले लीजिए और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। इनके कुछ अच्छाइयों को बताइए, इनके कुछ अच्छाइयों को बताइए, ये किस चीज़ में आगे हैं, तो कंपैरिजन का चैनल बना सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छा से जानना चाहते हैं तो आप अनुराग अग्रवाल सर का चैनल जाके चेक कर सकते हैं, ठीक, जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, चैनल इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सके। मैं सभी चैनल को रिसर्च करके अच्छे से देख के आपको बता तो रहा हूँ, अगर आप खुद से देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको चैनल भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा चैनल आप जाके चेक कर सकते हैं, कंपेरिजन का वीडियो आप बना सकते हैं। तीसरा जो आइडिया है वो है एक्सरसाइज और योगा। जैसे कि आप 1 मिनट से कम का वीडियो रहता है तो उसमें आप कोई आसन बता सकते हैं, ठीक, कोई एक्सरसाइज बता सकते हैं। इस टाइप के वीडियो भी बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। तो तीसरा आइडिया भी आप समझ गए होंगे। चौथा आइडिया जो है ये है जुगाड़ का चैनल आप बना सकते हैं। जुगाड़ का चैनल, अब इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है तो एक चैनल है मास्टर, उनके चैनल को आप जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप जाकर इनके चैनल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आइडिया है वो है मोटिवेशन चैनल, आप मोटिवेशन चैनल बना सकते हैं,
बिकॉज अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम का जो टेंशन है उसको लेकर डिप्रेस्ड होंगे, तो मोटिवेट करने वाला भी कोई होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमेशा डीमोटिवेट रहते हैं, ठीक, तो उनके डीमोटिवेशन को दूर करने के लिए आप चाहें तो एक मोटिवेशनल चैनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कंटेंट एकदम तगड़ा बनाना है। दमदार कंटेंट आपका रहेगा तो आपके चैनल को ग्रो होने में समझ लीजिए कि टाइम ही नहीं लगेगा। मैं 10 दिन बोला ना, 10 दिन से पहले भी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है आप फैक्ट चैनल बना सकते हैं। मैं भी फैक्ट चैनल पे काम किया हूँ, मेरे भी अच्छे खासे व्यूज आते थे, बट मैं अपने उस चैनल को डिलीट कर दिया बिकॉज मुझे टेक्नोलॉजी में काम करना था। इसलिए अभी वो मेरा चैनल है, अभी उस पर 9K सब्सक्राइबर है, बट मैं उस पर काम नहीं करता। तो आप फैक्ट चैनल भी बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अर्निंग ऐप। देखिए, किसी को भी अगर आप मान लीजिए कि पैसा कैसे कमाना है, अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाकर देते हैं तो कोई भी देखना चाहता है, क्योंकि सभी को पैसा कमाने का एक अंदर से चाह रहता है कि हम भी अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। तो अगर आप अर्निंग ऐप से रिलेटेड शॉर्ट में ही कोई जानकारी देते हैं तो आपके वीडियोस पे बहुत अच्छा खासा व्यूज देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला जो आइडिया है वो है यूट्यूबर्स न्यूज, मतलब कि जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके बीच क्या वाद विवाद चल रहा है, उनके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आप न्यूज दे सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं, उनके अर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो बना सकते हैं। इस टाइप के वीडियो भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद अगला आइडिया जो है वो है एजुकेशनल ट्रिक, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप मैथ्स बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैथ्स के फार्मूला से रिलेटेड कोई ट्रिक बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आप कुछ ट्रिक बता सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, किसी छोटे छोटे टॉपिक को आप 1 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। इस तरह के चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगला और लास्ट जो आइडिया है वो है एक्सपेरिमेंट चैनल। एक्सपेरिमेंट चैनल बना सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं या जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप कट करके उसके साउंड को रिमूव करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। बट वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको उसमें अपने साउंड में बताना है, ये नहीं कि मिस्टर इंडियन हैकर जो चैनल है उससे आप एक शॉर्ट क्लिप काट लिए और उन्हीं के साउंड में अपलोड कर दिए तो वहाँ से आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो आप उनके वीडियो को लीजिए, क्लिप को कट कीजिए, बट वहाँ पे आपको खुद से साउंड उसमें डालना है, खुद से सब कुछ बोलना है, खुद से वीडियो को एडिट करना है, ठीक। तो आप इस तरह से, ये जो 10 आइडिया मैंने बताया, पहला आइडिया मैंने बताया बॉलीवुड न्यूज, दूसरा आइडिया कंपेरिजन चैनल, तीसरा आइडिया एक्सरसाइज एंड योगा का चैनल बना सकते हैं, चौथा जुगाड़ का चैनल बना सकते हैं, पांचवा मोटिवेशन चैनल बना सकते हैं, छठा फैक्ट चैनल बना सकते हैं, सातवा अर्निंग ऐप से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, आठवा यूट्यूबर न्यूज से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, नौवा एजुकेशनल ट्रिक से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, और 10वां जो है वो है एक्सपेरिमेंट चैनल आप बना सकते हैं। तो ये 10 आइडिया है जिसपे आप अपना शॉर्ट चैनल क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना शॉर्ट चैनल किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो सिंपली आपको YouTube का जो शॉर्ट सेक्शन है, शॉर्ट सेक्शन में जाना है और एक एक करके सभी शॉर्ट को देखना है। उसके बाद जो भी शॉर्ट आपको अट्रैक्टिव लगे उनके चैनल को जाके आपको चेक करना है, ठीक, कि उनके वीडियोज़ पे कैसे व्यूज आ रहे हैं, किस तरह से अपने वीडियो को बना रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट जो है वो अपने व्यूअर को डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप भी उनके तरह वीडियो बना सकते हैं तो आप उस टॉपिक को ट्राई कीजिए, आप भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ठीक। देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा वीडियो बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको ट्राई करके ज़रूर देखना है और बार बार अपने आइडिया को चेंज नहीं करना है। अगर एक चीज़ को आप सेलेक्ट कर लिए तो कुछ दिन तक आप उस पर काम कीजिए, उसके बाद मान लीजिए कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तब आप चेंज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वैसे आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।